चलें जी, ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, स्टार्ट करते हैं। फिर जो लोग आ गए हैं वो हमें बाद में ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ऑब्स्ट्रैक्टिक्स की डेफिनेशन, तो वो मुझे बता दे जल्दी से। अच्छा, अगर किसी बच्चे को, एक सेकेंड, शायद आप लोगों में से कुछ लोग म्यूट। चलें जी, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो 10-15 पे आके ज्वाइन कर सकता है, लाइक अगर वो रिवीजन नहीं करना चाहता। लेकिन जो रिवीजन करना चाहता है वो बेशक यहीं पर रहे, ठीक है। मेरी आदत है कि मैं जो पढ़ाती हूँ वो मैं नेक्स्ट डे सुनती हूँ, तभी आगे जाती हूँ, ठीक है। फायदा ही तभी होता है, ठीक हो गया। अच्छा, कल हमने पढ़ा था ऑब्स, ऑब्स क्या था और गाइनी और ऑब्स में क्या डिफरेंस था। रिलेटेड टू द वुमेन रिप्रोडक्टिव एज एंड द यूरोजेनिटल डिजीजेस, दीज कम अंडर गायनेकोलॉजी एंड रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी एंड देयर डिजीजेस एंड प्रेगने एंड द मदर एंड द चाइल्ड, दे कम अंडर ऑब्स या ऑब्स्ट्रेक्टिक्स, ठीक हो गया। फिर हमने ग्रेविडा पैरा की बात की थी। तो अगर मैं कहूँ के आ प्रेग्नेंट लेडी, या फिर ये कहूँ के आ लेडी केम इन ओपीडी और शी वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है, एंड शी हैड 3 लाइव बर्थ्स, नो अबॉर्शन हिस्ट्री, तो उसका ग्रेविडा क्या होगा, पैरा क्या होगा और अबॉर्शन क्या होगा। मुझे जल्दी से आपने बताना था कि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ आ गई थी। वेरी गुड मारिया अनवर, आपने एग्जैक्टली 100% आंसर दिया है। ग्रेविडा उसका 4 है, क्यों 4 है, क्योंकि अभी तो एक वो प्रेग्नेंट, ग्रेविडा मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड पैरा मीन्स द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स, एंड अबॉर्शन मीन्स अबॉर्शन या मिसकैरेज, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था जी, उसके बाद हमने इमेजिंग साइट टेक्निक्स पढ़ी थी, ट्रांसवजाइनल और ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और ये सब। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है, सिर्फ मैं एक बात आपसे इनमें से पूछूंगी कि SD रेशो क्या होती है। SD स्टैंड्स फॉर, जल्दी से बताएं, और ये किस लिए यूज की जाती है। डॉपलर में ये यूज होती है सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशो, बेबी का हार्ट रेट देखने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब 5 मिनट अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। CTG स्टैंड्स फॉर कार्डियोटोकोग्राफ। कार्डियो का क्या मतलब था और टोको का क्या मतलब था। कार्डियो का मतलब हार्ट, टोको का मतलब प्रेशर। दो प्रोब्स लगा रहे थे हम, एक प्रोब मदर के, जो दोनों मदर के उस पे लगाते हैं पेट के ऊपर, एक जो है वो कौन से एरिया पे लगा रहे थे और दूसरे कौन से एरिया पे, एक फंडस ऑफ यूट्रस के ऊपर और दूसरी जो है वो बेबी के हार्ट के ऊपर, ठीक हो गया, फीटल स्कल के ऊपर या फीटल हार्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और टोको का मतलब प्रेशर, किस पे प्रेशर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, और जो हार्ट रेट है फीटल, दो चीजें, ये दो चीजों को देखने हैं हम, रिलेशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस विद द फीटल हार्ट रेट, यानी के जब मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई है उससे बेबी के हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि मदर की यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से बेबी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा, बेबी को कोई ऑक्सीजन सप्लाई तो नहीं उसकी कम हो रही है, उसका सर इतना ज्यादा तो नहीं दब रहा कि उसकी वजह से उसकी फीटल हार्ट बंद होनी शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर अलार्मिंग सिचुएशन हमें पता चलती है और हमने फिर डिसाइड करना होता है कि ये इमरजेंसी और हमने इसमें सी सेक्शन या हमने इसमें फोर्सेप डिलीवरी करनी है। तो बेसिकली ये किस लिए हम करवाते हैं और कब करवाते हैं, ये जी 32 वीक्स के बाद करवाते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएटली 36 to 38 वीक्स में करवाते हैं, जब लेबर पेन स्टार्ट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। इसका दूसरा नाम क्या है जी, थर्ड ट्राइमेस्टर में, बिल्कुल, इसका दूसरा नाम क्या है जी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्यों नॉन स्ट्रेस ऐसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेबी को कोई स्ट्रेस नहीं होता, ना ही मदर को कोई स्ट्रेस होता। और ये स्ट्रेस आइडियली कहाँ पे भी किया जा सकता है, ओपीडी में। कितना ड्यूरेशन होता है आइडियली CTG करने का, 20 to 30 मिनट्स, वेरी गुड, शाबाश। और इसके अलावा एक और जगह है जब हम इसमें करते हैं, जब हमने इंजेक्शन सिंडोसिन लगाया हो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, तब भी इसको
जो है सीटीजी करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या था सीटीजी के कंपोनेंट्स, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर्स, ऑस्पी और वाइवा का 100% आने वाला क्वेश्चन, चार इसके थे जी। एक था बेसलाइन हार्ट रेट, दूसरा था वेरिएबिलिटी, तीसरा था एक्सेलरेशन, चौथा डीसेलरेशन। जो एक्सेलरेशन थी वो मैंने आपको गाड़ी के एक्सेलरेटर से याद करवाई थी कि जिस तरह गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाएं तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज होती है, उसी तरह जब एक्सेलरेशन उसको कहते हैं जब बेबी का हार्ट रेट जो है, इधर मदर की यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, उसे इंक्रीज करने से बेबी का हार्ट रेट भी इंक्रीज कर रहा है, और ना सिर्फ इंक्रीज कर रहा है 15 to 20 beats per minute बल्कि 15 to 20 seconds तक ये वहां पर रह भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इधर से आके फॉरन ड्रॉप कर रहा है, नहीं, 15 to 20 seconds तक ये ऊपर रह भी रहा है। जैसे ही फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है, ये अपनी वापस नॉर्मल वेरिएबिलिटी वाली स्पीड पे आ रहा है। और वेरिएबिलिटी क्या थी, जो थोड़ी थोड़ी स्टिमुलस की वजह से, एनएस की वजह से या सीएनएस के स्टिमुलस की वजह से बेबी के हार्ट रेट में आती रहती है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक होगी। और यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस में स्ट्रेट लाइन आने का क्या मतलब है कि मदर को यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, वो फॉल्स लेबर का साइन है, उसे सिर्फ दबाव हो रहा है, उसे कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही, ठीक होगी ये बात। उसके अलावा वेरिएबिलिटी की भी बात समझ आ गई। रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी कब होती है, जब less than 10 beats per minute जो है ना वेरिएबिलिटी आए, या तो स्ट्रेट लाइन आए या फिर इस तरह चुन्नू सी लाइन आए, ठीक है, इसका मतलब है कि रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है, ठीक होगी ये बात। एक्सेलरेशन की भी बात होगी और वेरिएबिलिटी की भी बात होगी। या फीटल हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, कल हमने पढ़ी थी नॉर्मल इंसान से डबल है, 160 तक, ठीक है, 160 तक आएगी। अगर 100 भी किसी सिचुएशन में अगर आ रही है तो हम उसे क्लिनिकली कोरिलेट करके नॉर्मल कह सकते हैं। अगर 160 से ज्यादा है तो वो टैकीकार्डिया है, अगर 110 से कम है तो वो ब्रेडीकार्डिया। कौन कौन सी डिजीजेज में होता है, इन्फेक्शन की वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, कोई अंडरलाइन डिजीज हो सकती है उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नीमिया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था जी, डीसेलरेशन, ऑपोजिट ऑफ द एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन, यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है उसके साथ जो है वो बेबी एक्सेलरेट करने की बजाय डीसेलरेट कर रहा है, उसको 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 जो है उसके सर पर जब दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, और सिर्फ 15 to 25 beats per minute डिक्रीज नहीं कर रही बल्कि वहां पे 15 to 25 minutes तक रह रही है। फिर आगे मैंने आपको इसकी टाइप्स इसलिए बताई थी कि 15 to 25 minutes के, एक तो अर्ली होती है जिसमें वो सिर्फ 15 to 25 बीट्स पर मिनट तक जो है वो, सॉरी, सेकंड्स रहती है, और उसके बाद जो है वो बेबी को ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है और वो कहता है ठीक है यूट्रेन कॉन्ट्रैक्शन इधर से खत्म हुई, उसे थोड़ा सा हौसला हुआ और वो अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ गया। लेकिन जो लेट होती है उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेती है, स्लो करती है, ठीक है, इसमें भी हमने भी उसे क्लिनिकली कोरिलेट करना होता है, देखना होता है, रिपीट करनी है सीटीजी, अगर फिर वैसी ही आ रही है तो फिर हमने एक्शन लेना है। अच्छा, और जो प्रोलॉन्ग है उसमें हमने क्या करना है कि फिर तो जी इसका मतलब है कि बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही, या तो उसका हार्ट का इशू है या कोई ब्लड वेसल वगैरह का इशू है, फिर हमने फॉरन इमरजेंसी है और डिसीजन करना है कि भाई या तो इसे फोर्सेप्स डिलीवरी या फिर इसकी सी सेक्शन करना है। फिर आपने नहीं देखना कि उसकी जेस्टेशन कौन सी है कौन सी नहीं, फिर इट्स एन एमरजेंसी, ठीक हो गई ये बात। कोई बात रह तो नहीं गई, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें। 10:16 हो गया, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का लेक्चर था हमारा एंटीनेटल केयर। जो लोग चले गए थे उन्हें आप बुला भी सकते हैं। तो एंटीनेटल केयर में हमने क्या पढ़ना होता है, एंटीनेटल केयर बेसिकली क्या है, सबसे पहले ये आप समझ लें कि एंटीनेटल और पोस्टनेटल में क्या फर्क है। एंटीनेटल बिफोर बर्थ और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ, इतना तो पता है ना। अच्छा, अब प्रेगनेंसी का जितना भी टेन्योर होगा उसको हम कहेंगे एंटीनेटल केयर, ठीक है ना। अब एंटीनेटल केयर क्यों जरूरी है, क्या क्या इसके एम्स हैं, क्यों हमने करनी होती है, क्या क्या चीजों का ख्याल रखना होता है, आप खुद सोच सकते हैं इस लेवल पे आके, हिस्ट्रियां ले लेके आपको खुद आइडिया होगा कि हम क्यों एंटीनेटल। और हमने कल भी इसकी काफी सारी चीजें पढ़ ली थी कि हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एंटीनेटल, सबसे पहला पॉइंट अगर आप इसमें देखो तो क्या होता है, सबसे पहले आप कंफर्म करते हो प्रेगनेंसी, फिर आप उसकी टाइम ड्यूरेशन देखते हो कि कितना है, वो किस किस चीजों से आप कर सकते हो,
बीटा एचसीजी लेवल से कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड से कर सकते हो, लिपस्टिक टेस्ट से कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है, जब वो स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना, और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, मदर और बेबी दोनों। तो आपने देखना है हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी, तो ये हमारा एक बेसिक एम है। बिल्कुल वेरी गुड, मरियम ने कहा कि मेटरनल और फीटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को कम करना इज द वेरी फर्स्ट एम, ठीक है। फिर हमने बताना है उसको, एडवाइस करना है, रीअश्योर करना है, एजुकेट करना है और सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आजकल भी जब भी प्रेगनेंसी होती है तो उसे एक डिजीज समझा जाता है, ना कि उसे एक ब्लेसिंग। ये बताने है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, डिजीज नहीं है। आप मुझे बताएं कि प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आ रही है क्लिनिक के ऊपर, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको बताएंगे कि आपकी बॉडी में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, आएंगी, तो आपने इन इन चेंजेस में आपने डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, ठीक है ना। ये एक साइकोलॉजिकल जो थेरेपी है, काउंसलिंग है, ये बहुत ज्यादा, जी नाइमा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो उसकी माइनर एलिमेंट्स है प्रेगनेंसी की, उसको डील करना और उसको बताना है कि भाई आपको ये हो सकता है, इसी तरह से अब आपने अपना ख्याल रखना है सारा, और जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग का भी उसको बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, आप कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं, और उसको किस तरह से हम एडवाइस और एजुकेट करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई पहले जिस तरह से आप डाइट ले रही थी वो नहीं लेनी, अगर कोई स्मोकिंग करती है, ड्रग्स लेती है, जो कि हमारे एरिया में नहीं लेकिन वेस्टर्न एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से टेराटोजेनिसिटी वगैरह होने के, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए भी हमने उसको बताने कि भाई आप स्मोकिंग और ये एसआईटीज या अल्कोहल ये सारी चीजें नहीं ले सकते, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन का, यूज ऑफ मेडिकेशंस जो अगर वो कोई डिप्रेशन या और कोई ले रही है जो इफेक्ट कर सकती है बॉडी को और उसको बेबी को, ठीक है। रिक्रिएशनल ड्रग मिसयूज, एक्सरसाइज और सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फॉरेन ट्रेवल, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस एंड करेक्ट यूज ऑफ सीट बेल्ट। ये जो आखिरी पॉइंट है इसका मुझे कौन बताएगा, फॉरेन ट्रेवल से क्यों मना किया जाता है, डीवीटी प्रोफिलैक्सिस कैसे हो सकती है, और करेक्ट यूज ऑफ सीट बेल्ट से क्या होगा? एक तो करेक्ट यूज ऑफ सीट बेल्ट से बेबी भी सिक्योर रहेगा, अगर उसकी लेट उसकी है 7th trimester, 7 months, 8 months, 5 months, दूसरा उसको उसके मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस क्यों हम करवाते हैं, कि जब यूट्रस का साइज इंक्रीज कर रहा होता है तो देयर इज हाई रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्लस देयर इज हाई रिस्क ऑफ एडीमा। आप देखोगे बहुत से प्रेगनेंट लेडीज में उनके पाँव सूज जाते हैं, एल्बुमिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, तो यस। और इसी तरह ट्रैवलिंग में लॉन्ग टाइम रेस्ट होती है तो डीवीटी के चांसेस हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपने उसको काउंसल करनी है, ये इश्यूज हैं कॉमन जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये सारे टेबल्स आपके 10 टीचर्स के हैं और जितनी भी आपकी बुक्स हैं उन सबसे कंपाइल करके लिए हुए हैं, तो अगर आप को एक बुक में ये सारे टेबल्स नहीं मिलते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और अब हम क्या-क्या काम कर सकते हैं मैटरनिटी राइट्स और बेनिफिट्स के लिए, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और डोमेस्टिक वायलेंस, स्क्रीनिंग फॉर दी फीटल प्रॉब्लम्स, स्क्रीनिंग फॉर दी मेटरनल कंडीशंस, मैनेजमेंट ऑफ दी प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, प्लेसमेंट ऑफ बर्थ एंड लेबर। ये सारी क्या मैं बता रही हूँ, एंटीनेटल केयर के पॉइंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने एंटीनेटल केयर में करनी है। फिर प्लेसमेंट ऑफ बर्थ एंड लेबर, पेन रिलीफ, कल हमने मेरा ख्याल है बायोफिजिकल प्रोफाइल और उसमें पढ़ा भी था कि हम अल्ट्रासाउंड और ये सारी टेक्निक्स क्यों कराते हैं, ताकि बुकिंग उसके लिए कराते हैं कि पता चल जाए कि ईडीटी का मैंने कल नाम यूज किया था, तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का भी यही मकसद होता है कि हमें डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि ये डिलीवरी घर में नॉर्मल एसवीडी हो सकती है या सी सेक्शन होना इसका जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी प्रेगनेंसी में और एंटीनेटल केयर का पार्ट है। पेन रिलीफ इन लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग और विटामिन के प्रोफाइलैक्सिस, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ठीक है। ये सिर्फ आपने हेडिंग्स अभी याद रखनी है, उसके बाद आगे फिर हम डिटेल में इसको पढ़ते जाएंगे साथ साथ।
अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटिंग स्कैन का क्या फायदा। कल मैंने शायद बताया था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, और वो किस, मैंने बताया था कौन कौन सी दो चीजों से होता है। एक तो ये हेल्प करता है हमें इसमें देखने में कि उसका जो है वो कितने मंथ्स का है, ठीक है, फीटस, और दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, और एग्जैक्ट उसकी कितनी अब टाइम हो गया उसकी प्रेगनेंसी को, कितने वीक्स का हो गया बेबी, ठीक है, समझ जा रही है कि सो रहे हो सारे। फिर ग्रुप में मैसेज करोगे मैम आज के लेक्चर की तो बिल्कुल समझ नहीं आई, सो रहे हो सारे, आ रही है। अच्छा यहाँ पे मैसेज कर दिया करो होस्ट को, होस्ट को मैसेज करते हो ना तो वो मैं निग्लेक्ट कर देती हूँ। अच्छा मैं बात कर रही थी कि आप बहुत फास्ट हैं, कुलसुम कह रही है मैं बहुत फास्ट हूँ। कुलसुम अभी मैं फास्ट हूँ, कल मुझे कमेंट्स मिले थे कि मैंने लेक्चर 1 घंटे में खत्म किया है, तो आज मुझे स्पेशल एडवाइस दी गई है कि लेक्चर 30 to 40 मिनट्स में खत्म करना है, चाहे बच्चों को समझ आए या ना आए, फिर भी मैं आप लोगों को अपना बच्चा समझ के बता रही हूँ। बहुत जल्दी बोल रही हूँ। अच्छा आपके नेट का इशू है, 2+ पे लगा हुआ नेट आपका। अच्छा डेटिंग स्कैन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक्यूरेट डेट हमें पता चल जाती है LMP की, और पता चल जाता है कि कितने वीक्स का बेबी है। उसके अलावा रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर फॉर प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी, इसमें भी हेल्प हो जाती है। और इसके अलावा सीरम स्क्रीनिंग, अगर कोई अबनॉर्मेलिटी, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी 3 टेक्निक्स हैं जिससे हम अबनॉर्मेलिटीज को स्क्रीन कर सकते हैं, उसमें भी ये हेल्प करती है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है इससे कि कितने वीक्स का बेबी हो गया है। उस पे फिर स्पेसिफिक वीक्स होते हैं जिसपे हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके पास हिस्ट्री है कंजेनिटल, या उसकी कोई प्रीवियस प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम का या किसी और टर्नर सिंड्रोम का बेबी हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया, रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर फॉर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, यानी के अगर फॉर एग्जांपल उसका टर्म में बेबी होना है, ठीक है, और हमें मिस गाइडेंस हो गई है कि अभी उसकी टर्म है या नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाने की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें पता चल जाता है कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लेबर पेन्स को कंट्रोल करते हैं या उनको मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अर्ली डिटेक्शन ऑफ दी मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये भी देख सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ दी अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक फेल्ड इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसीज, अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो भी इसमें पता चल जाती है, ठीक है। मिसकैरेज वगैरह में भी मैंने आपको बताया था कि एक मिसकैरेज ऐसा होता है जिसके अंदर वापस हमने पर स्कैन करना होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने के लिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है पता है ना सबको। अच्छा उसके बाद अब ये क्या क्या स्टेप्स हैं इसके, कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, डेटिंग द प्रेगनेंसी, और बुकिंग हिस्ट्री। बुकिंग हिस्ट्री का क्या मतलब है, बुकिंग हिस्ट्री का क्या मतलब है कि हमने जब वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लेडी आई प्रेग्नेंट, तो हमने उसकी बुकिंग हिस्ट्री ली, उसका क्या मतलब है कि हमने उसकी सारी डिटेल्ड मेडिकल और सर्जिकल और पास्ट और जितनी भी उसकी फैमिली हिस्ट्री सारी ली। उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी, अगर उसकी कोई पास्ट कोई मिस कैरेज की हिस्ट्री है तो पता चल जाएगा, हमें केयर करनी पड़ेगी उसको ज्यादा, उसकी जो उसको अपॉइंटमेंट्स का टाइम देंगे, ज्यादा दफा उसको बुलाएंगे, ज्यादा दफा उसे चेक करेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल। फिर अगर उसको हाइपरटेंशन है डायबिटीज है तो उसे एक प्रॉपर प्लान बताएंगे कि तुमने ये प्लान फॉलो करना है। अगर उसे कोई हार्ट डिजीज है तो उसके अंदर जो सेफ प्रेगनेंसी ड्रग्स हैं वो उसको देंगे, उसका प्रॉपर चेकअप करवाएंगे ताकि उसके बेबी को कोई नुकसान ना हो। अगर उसकी कोई पास्ट एबनॉर्मेलिटी कोई है कंजेनिटल, कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या मिसकैरेज की, तो उसके उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे 3 उसके प्रोसेसेस होते हैं, उससे अर्ली स्क्रीनिंग हो सकती है। अगर खुदा ना खासा अभी भी उसका वही उसी तरह की एबनॉर्मेलिटी आ रही है, अभी भी उसका बेबी जो है वो कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी के साथ है, तो फिर हम उसको बता सकते हैं कि भाई आप देख लो अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या इसे टर्मिनेट करना, और ये लीगली अलाउ होता है, अगर एबनॉर्मेलिटी है और अर्ली डिटेक्शन है तो आप उसमें उसको कर सकते हो टर्मिनेट, ठीक हो गया। ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अब
पूछने वाली कोई बात तो नहीं है इसमें। और इस तरह का देखो चार्ट बनना होता है, उसको हमने टिक करना होता है, और उससे हम फिर एक अच्छा उसका बना सकते हैं मैनेजमेंट प्लान, या उसका जो उसकी रिसेंट कंडीशन होती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ डायबिटीज और हाइपरटेंसिव का क्यों पूछते हैं, और इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा कॉमन होती है प्रेगनेंसी में? जेस्टेशनल डायबिटीज का नाम सुने हैं भाई ने, पढ़ाई भी होगी, वो बहुत ज्यादा कॉमन है इसके अंदर, तो उसके बारे में भी हमने उसे गाइड करना है। अगर उसको पास हिस्ट्री फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो डायबिटीज होती है वो नहीं है, तो उसको अगर पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई है तो उसको हमने इस प्रेगनेंसी में भी बताना है कि मोर चांसेस हैं कि इस प्रेगनेंसी में भी हो। और हाइपरटेंशन में क्या होता है, एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया। क्यों हाइपरटेंशन के इसलिए पूछना है कि एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, और जब ये होगा तो हमें फॉरन एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अभी पढ़नी है। ठीक है। अच्छा उसके अलावा एग्जामिनेशन कौन से करते हैं जी? ये कौन सी बला का नाम है, क्या लिखा है ये? जीपीई, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसकी हमने सारी बातें कर ली है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन। ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एक चीज इम्पोर्टेंट क्या देखेंगे, प्रीवियस अगर उसका कोई सी सेक्शन या उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी वगैरह हुई है, और अगर अब हमने सी सेक्शन प्लान करना है तो हमने वो उसके लिए देखना। और पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या देखना है कि उसको कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई उसको फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, कोई उसको पीआईडी की हिस्ट्री तो नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है। और ये जो आठ चीजें हैं ना, ये आपको अजबर होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए, ये आपसे वाइवा में भी पूछेंगे, और ये आगे जाके आपको बेसिक है, ये ऑप्स की ये बेसिक है। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आएगी, इन आठ चीजों में से कोई एक चीज भी आपने नहीं पूछी या मिस कर दी तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या देखना है उसका सीबीसी। सीबीसी में क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन एनीमिया के लिए, और प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लेटलेट्स किस लिए देखेंगे जी? क्लॉटिंग वगैरह के लिए, और उसके अलावा कोई ब्लड डिसऑर्डर के लिए। कौन से ब्लड डिसऑर्डर में प्लेटलेट ज्यादा हो जाते हैं, मुझे इसका आंसर करें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स। आप लोगों के तो प्रॉफ भी डिले हो गया, मैंने आप लोगों को मुबारकबाद नहीं दी है, खुश नहीं हो आप लोग? पहले भी आप लोगों के दूर ही थे वैसे, सो गए हो सारे, जगाएं सबको, फिर टेस्ट लेना शुरू कर दूं, आ जाएगी ऑफिशियल भी, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। चलो प्लेटलेट्स का बताया नहीं है, आप लोगों ने मुझे ग्रुप में बताना है। ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करवाते हैं, और रेड सेल एंटीबायोटिक्स देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्रुटालिस का नाम सुना है किसी ने? ओके। और ब्लड ग्रुपिंग एक और चीज के लिए भी करवाते हैं कि अगर पेशेंट एनीमिक है और उसका सी सेक्शन करना है, या उसको कोई और डिपेंडिंग अपॉन द प्रेगनेंसी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, उसके लिए उसका ब्लड अरेंज करने में भी आसानी हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। उसके अलावा यूरिन एनालिसिस क्यों करवाते हैं, कोई यूरिन इन्फेक्शन वगैरह देखने के लिए, जो कि आगे जाके बेबी को हार्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये यूट्रस के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आती है, तो मोर प्रोन होती है पेशेंट टू द यूरिनरी इन्फेक्शन। ठीक है। और फिर रुबेला क्यों देखेंगे जी? हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी, ये सब क्यों देखेंगे? टेराटोजेनिसिटी और कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज के लिए। ठीक है। और सीरोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिस। बिल्कुल, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है। बी और सी में। और सिफिलिस का भी भाई ने शायद आपको पढ़ाया हो, या गाइनी में आपने पढ़ा भी है, उसकी वजह से भी क्या होता है, उसने पूछ रहे हैं टॉपिक क्या है, एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल डायग्नोसिस। ठीक है, सॉरी, प्रीनेटल और एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल डायग्नोसिस, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भी हम पढ़ रहे हैं एंटीनेटल केयर किस तरह से की जा सकती है, उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी है, किन किन चीजों को फोकस करना है। बेटा ये जो मैं पूरा आयशा फारूक, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इस ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। यहाँ हर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस के मुझे आठ पॉइंट्स गिन के बताओ, कोई एक भी रह जाएगा तो वो आपको पास नहीं करेगा। ठीक है। और उसके अलावा हीमोग्लोबिन स्टडीज। ठीक हो गया। हीमोग्लोबिन स्टडी में सबसे पहले तो देखोगे एनीमिया। ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या है, थैलेसीमिया। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट चलें अब आगे। ये भी कुछ एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस का कहीं पे चार्ट बना होता है, इजी होता है, आप उसे टिक कर देते हो। पॉजिटिव नेगेटिव जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हो तो फिर आपका एक प्लान इसके अकॉर्डिंग बन जाता है, जौन सी चीजें पॉजिटिव आती हैं उसके मुताबिक फिर आप उसे गाइड करते हो। ठीक है, अब उसके अलावा हमने ऊपर एक जेस्टेशनल डायबिटीज की भी बात की थी, तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते, बहुत सी जगहों पे बने होते हैं, बहुत से हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर कुछ हॉस्पिटल नहीं आप खुद देखते हो। ठीक है, रोल नंबर 56 क्यू आए, तो आपका क्वेश्चन मुझे पूरा समझ नहीं आया, फिर से पूछ सकती हैं। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जी जेस्टेशनल डायबिटीज के, कौन कौन से लोगों को, आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि कौन कौन से लोगों को जेस्टेशनल डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। ओबीस, प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है, और ऑन गोइंग डायबिटीज। ठीक है, ये तो ज्यादा कॉमन है। अगर यूक्यूआई मैम तो ये चार्ट बनाते होते हैं, नहीं नहीं चार्ट नहीं बनाना, आपने सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो मैंने ऊपर 8 पॉइंट्स बताए, ये तो मैंने वैसे आपको बताया है कि इस तरह का चार्ट है, होता है अक्सर जगहों पे, तो आपने उसे फिल करना होता है, फिर आप उसमें देखते हो अगर ये पॉजिटिव आया, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे HIV पॉजिटिव है, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग करते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मोर प्रोन है, कौन लोग ओबीस, उसके अलावा क्या कौन है जिनको प्रीवियस डायबिटीज है और जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हुई है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ इसने लिखा है रिस्क फैक्टर्स, मेरा ख्याल है बी से ज्यादा है, प्रीवियस बेबी का वेट जाहिर है, मैक्रो सोमिक जो है बेबी था, उसके अलावा प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर डायबिटीज है, ऑनगोइंग उसको खुद डायबिटीज है, या फैमिली ओरिजिन विद हाई प्रेवलेंस एरिया, अगर इस एरिया से वो बिलोंग करती है जहाँ पे डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, BMI इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बेबी का वेट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस जेस्टेशनल डायबिटीज और फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ये मैंने आपको पैक करवा दिए थे, इसमें कोई मसला तो नहीं होगी, कोई पूछ लेंगे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के, तो बता दोगे 3 से और बेबी उसका हेल्दी था। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस किस कौन कौन सी हो सकते हैं और उसे किस तरह से डील करते हैं कस्टमाइज्ड एंटीनेटल क्लिनिक्स में। एक तो एंडोक्राइन डायबिटीज होगी, थायराइड होगी, प्रोलैक्टिन और अंदर एंडोक्राइनोपैथीज। ठीक है, और जो उसके अलावा उसके अगर कोई हाइपरटेंशन चल रही है, डायलिसिस पे है पेशेंट, या रीनल डिजीज है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं उसके लिए, कोई उसको पैनसाइटोपिनिया या उसको आयरन डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। ठीक है, टर्म लेबर, मल्टीपल जेस्टेशन और टीनेज प्रेगनेंसीज। जी बताएं मुझे, सब्सटेंस मिसयूज पता होना चाहिए आप सबको, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नईम ने कहा अल्कोहल यूज, अल्कोहल हो सकती है, निकोटीन हो सकती है, या कोई ड्रग्स हो सकती है और। ठीक है, हाँ ठीक है, उस नैने का IUDs बिल्कुल, ये भी आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। और उसके अलावा फिर ये विजिट्स हैं, ये आपने रीड करने हैं एक बार, ये विजिट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से विजिट्स होते हैं, एटलीस्ट कितने विजिट्स होते हैं, पहला विजिट कब होता है, उसमें हम क्या देते हैं, दूसरा विजिट किस लिए होता है, तीसरा विजिट किस लिए होता है, चौथा विजिट, जल्दी से मैं ओवरव्यू भी दे देती हूँ, पांचवा विजिट किस लिए होता है, छठा किस लिए होता है, सातवां, मैक्सिमम 8 to 10 विजिट्स होते हैं, और अगर हाई रिस्क हो तो उसके फिर ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इनिशियल कॉन्टेक्ट का मतलब सबसे पहले अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आइडियली शादी से 3 माह पहले फीमेल्स को जो है वो फोलिक एसिड, या आपने कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा होगा कि उसको देनी चाहिए, वरना अर्ली अगर वो कंसीव करना चाह रही है तो उससे पहले, अच्छा उसको कहना है एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करे, अगर नहीं की तो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट कर ले।
ठीक है, फिर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर अगर बुकिंग है बाय 10 वीक्स तो उसके अंदर डेटिंग स्कैन करवाना है, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं अगर कोई उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, फिर BMI देखना है, देखने के लिए वही सारी बुकिंग इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने आपको बताई हैं। फिर डेटिंग स्कैन होता है 10 to 14 वीक्स के ऊपर, किस लिए ये भी मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें ऊपर हमने पढ़ी। फिर 16 वीक्स के ऊपर उन टेस्ट को वापस रिव्यू करना होता है। क्यों इन वीक्स पर रिव्यू करना होता है? एक तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा है, फिर हाइपर टेंशन, फिर उसके अलावा एनीमिया, अगर वो अपनी बंदी अपना ख्याल नहीं रख रही तो उसको बताना है कि भाई अब तुम वीक होती जा रही हो, ये सारी चीजें। थोड़ा स्लो लेक्चर। अच्छा, अभी तो मैं इतनी आराम आराम से रिपीट कर रही हूँ चीजें, इसलिए फास्ट बोलती हूँ, जो चीज न्यू बताती हूँ वो स्लो ही बताती हूँ। एक कहता है स्लो, दूसरा उसी वक्त मैसेज टाइप करता है, मैम आज के लेक्चर की समझ नहीं आई, 11 बजे तक भी कोई लेक्चर देता है। EDT नहीं आती निकाली, टेंशन ना ले, EDT भी निकालना सिखा देंगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, बुकिंग विजिट पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये उसने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि 10 to 14 वीक्स के दौरान करते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं ये बात करी थी कि क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज के डेवलप होने के भी चांसेस है, अगर वो बंदी अपना ख्याल नहीं रख रही, डाइट सही नहीं रख रही, मैलनरिश्ड हो रही है, और उसके अलावा जो है वो मैलनरिश्ड हो रही है, उसके अलावा एनीमिक हो रही है, उसे कोई हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम हो रही है, एक्लेम्शिया प्रीएक्लेम्शिया स्टार्ट होने के चांसेस है, उसका BP रेस करता जा रहा है, स्टार्ट में लो था अभी रेस कर रहा है, या उसको कोई एडिमा डेवलप हो रहा है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की तरफ जा रही है, डिप्रेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि उसका वेट इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, और उसको उसकी शेपिंग खराब हो रही है, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर 25 वीक्स के ऊपर हमने क्या बताना है, ये सारी चीजें देखनी है, हाइट वेट बेबी का, ठीक है, सिम्फिजियो फंडल हाइट मेजरमेंट, फिर यूरिन टेस्ट करवाने हैं देखने के लिए कोई यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, BP चेक करना है उसको, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद नेक्स्ट 28 वीक्स पे क्या करना है, इंफॉर्मेशन गिविंग, वही सारी चीजें फिर से रिपीट करवानी है, एनीमिया और ये, और एंटी डी प्रोफिलैक्सिस अगर देखना है स्क्रीनिंग में कि अगर बेबी और जो मदर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो, ठीक है? क्यों, मैंने बताया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस क्या होता है, उसके लिए फिर हमने क्या करना है, एंटी डी देना है मदर को, ठीक हो गया, पता है ना सबको। 31 वीक्स के ऊपर फिर हमने क्या करना है, बुकिंग करनी है, देखना है उसके बाद और उसके दौरान के अगर उसको फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन की जरूरत है, या SVD से हो सकता है नॉर्मल, यहाँ से फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसके अंदर भी वही टेस्ट रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद 34 वीक्स के ऊपर सेकेंड डोज NTD की देते हैं, ठीक है? हाँ, ये सिर्फ पढ़ना है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि इस एज पे, और ये आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि स्टार्ट पे हमने डेटिंग स्कैन करवाना है, उसको चेक करना है, स्क्रीनिंग करनी है, ये सारा, और फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ट्राइमेस्टर्स इंक्रीज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उसमें आगे मैंने एक चार्ट भी ऐड किया, उससे भी आप याद रख सकते हो, आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम किन चीज़ों को देखते हैं, सेकेंड में किन को और थर्ड में किन को, ठीक है? अच्छा, ये देखो, ये चार्ट मैंने ऐड किया हुआ है जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया, इसका आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला आप बेशक पढ़ लो लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसको कंफर्म करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, और डेटिंग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, और स्क्रीनिंग। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि प्रीनेटल डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग में कौन से 3 इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं और उनका क्या रोल है, तो मुझे बताएं अगर आपको पता है कौन से 3 स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं। एक तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, दूसरा टेस्ट भी लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस, और तीसरा टेस्ट मुझे कौन बताएगा, कॉर्डोसेंटेसिस, ठीक है? जो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है वो कहाँ से करते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहाँ से करते हैं, और कॉर्डियोसेंटेसिस कहाँ से करते हैं? कॉर्डियोसेंटेसिस अम्बिलिकल कॉर्ड से करते हैं, एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक कैविटी एमनियोटिक फ्लूइड से करते हैं, और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कहाँ से करते हैं जी? बताती हूँ बताती हूँ, अभी मैंने बताया नहीं है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग कब करते हैं जी, प्लेसेंटा से, कोरियोन से, ठीक है?
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैंने बता दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट, सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर इन्फेक्शंस और जेस्टेशनल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और आरएच फैक्टर, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी होती हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर आपने वही सारी चीजें प्लस उसकी, ये एक इम्पोर्टेंट है कि उसका किक काउंट जिसको हमने कल पढ़ा, लेबर्स, कॉन्ट्रैक्शन, वो सारी चीजें उसमें आती हैं, ठीक है। और ये उसके टेस्ट हैं जो हम कराते हैं एडिशनल। अब हमने ये देखना है प्री नेटल उसमें डायग्नोसिस में कि टेस्ट कौन कौन से और कब कब कराते हैं। सबसे पहला तो आपका बात करें कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग की, ये मैंने लिख भी दिया है साथ और थोड़ा सा ऐड भी कर दिया क्योंकि आप लोगों की ना बुक में भी नहीं है डायग्राम्स, तो डायग्राम से ना ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डायग्राम से बता दूँ ताकि आप लोगों को एक जहन में समझ आ जाए कि भाई क्या चीज है, कैसे होती है, तो थोड़ा बहुत आप खुद भी। अब जो कोरियोनिक, ये जो तीनों स्क्रीनिंग हो रही है ना, ये हम किस लिए करवा रहे हैं? जो स्क्रीनिंग होती है ना वो हम करते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज के लिए, अगर कोई उसकी प्रीवियस डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम की हिस्ट्री है ना या मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो हम फिर ये करते हैं टेस्ट स्क्रीन करने के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए। ठीक हो गई ये बात, यहाँ तक समझ आ गई है सबको? अब दूसरी बात ये कि जो कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग है वो कौन से वीक्स पे करते हैं, तो ये करते हैं 11 वीक से ऑनवर्ड्स, ठीक है, कर सकते हैं। और जो है ना एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस, ये हम 15 वीक्स ऑनवर्ड करते हैं। ये आपने मेरा ख्याल है कम्युनिटी मेडिसिन में भी पढ़ा था, और ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है, एक और सब्जेक्ट में भी मेरा ख्याल है आप लोगों ने पढ़ा था कि सीवीएस कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग कब करते हैं और एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस कब करते हैं। तो ये आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और वाइवा में भी पूछ सकते हैं, प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछते, वन स्टार टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग कहाँ से लेते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहाँ से लेते हैं और कॉर्डोसेंटेसिस कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोसेस है, ये उन्होंने दिखाया हुआ प्रोसीजर कि जो कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ये तीनों ही वैसे अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं क्योंकि अब हम बेबी को पेट खोल के तो नहीं ना मदर का ले सकते, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं, उसके अंदर हम प्रोब इंसर्ट करते हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने जिससे लेना होता है वो इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करके अगर कोरियोनिक है तो उसके कोरियोन में इंसर्ट करेंगे और उससे लेंगे थोड़ा सा उसका पार्ट, जिस तरह हम कल्चर लेते हैं सेल का और ले के उसका, तो उसको इस तरह से सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड में डाल के फीटल सेल्स को मॉनिटर करेंगे और देखेंगे। अब इंडिकेशंस क्या क्या हैं कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग की, क्या क्या इंडिकेशंस हैं जी? एक तो वही मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मेलिटीज, इसमें क्या क्या देखा जा सकता है, थैलेसीमिया देखा जा सकता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस देखी जा सकती है, और कैरियोटाइपिंग से क्या हो सकता है, एनियोप्लॉइडी देखी जा सकती है, ठीक है। कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग का आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जो मैंने बता दिया, कौन से वीक में करते हैं, कहाँ से करते हैं और इसकी क्या क्या इंडिकेशंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखे इस तरह से जो है ना प्रोब रख के हम देखते हैं और करते हैं, ठीक है। ये बेबी नजर आ रहा है आपका, आपका कह रही हूँ पेशेंट का, ठीक है, पता तो है ना सबको कि प्रोब किसे कहते हैं, देखी हुई है ना अल्ट्रासाउंड? बिल्कुल नहीं, कह रहे हैं प्रीवियस बेबी में ब्लड डिसऑर्डर हो, कोई भी किस्म का कंजेनिटल डिसऑर्डर है, मिसकैरेज की हिस्ट्री है, तो आप उसमें करते हो, ठीक है। अब एमनियोसेंटेसिस भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, उसमें आप एमनियॉन से जो है वो सैंपल लेते हो और उसे कल्चर करते हो, उसकी क्या क्या इंडिकेशंस है, एन्यूप्लॉइडी ही है, थैलेसीमिया भी है, और उसके अलावा जो है वो साइटोमेगालोवायरस टॉक्सोप्लास्मोसिस के लिए भी कर सकते हो, और इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड के लिए भी कर सकते हो, एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। कल मैंने आपको बताया था AFI, मुझे जल्दी से बताओ AFI होता क्या है, AFI क्या होता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होगा तो अलीगो होगा, कितना होगा तो पोलियो होगा, आइडियल उसकी क्या है, जल्दी से मुझे बता दे। 20 to 25 होना चाहिए, अगर 20 से कम होगा तो अलीगो होगा, अगर 25 से ज्यादा होगा तो पोलियो होगा, और कितने पाउचेज में से हम इसको काउंट करते हैं, 4 पाउचेज होते हैं यूट्रस के, 4 उसके बने होते हैं ये पैरामीटर्स कह लो, और उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके तो हम निकालते हैं किसमें करते हैं, सेंटीमीटर्स में करते हैं, ठीक हो गई ये बात। और एमनियोसेंटेसिस किस
ड्यूरेशन में कर सकते हैं 15 वीक्स ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। सीवीएस कब कर रहे थे, कोरोनिक वेलस सैम्पलिंग कब कर रहे थे, 11 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यानी जो अर्ली है उसमें हम सीवीएस कर सकते हैं, और जो 15 वीक्स के बाद उसमें हम एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला और इंडिकेशंस भी हमने पढ़ ली है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की मैं आपको साथ ही बता दूं बात, ये क्या है मुझे बताओ, कोई गेस करके बता सकता है ये मैंने किसकी डायग्राम ऐड की हुई है, ये क्या है, कौन बताएगा भाई। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी हुई है सबने, अम्बिलिकल कॉर्ड है बेबी की, ठीक है। तो यहां से अगर हम सैंपल लेंगे तो कौन सा सैंपल होगा, उसका क्या नाम होगा, कॉर्डोसेंटेसिस। कोई मुश्किल बात है इसमें, एवी इतनी परेशानी बनाई हुई है अपने लिए। और ये कौन से वीक्स में करते हैं, ग्रेटर देन यानी आफ्टर 15 वीक्स ऑनवर्ड्स हम ये टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट की क्या क्या इंडिकेशंस होंगी, जल्दी से मुझे बता दें क्या क्या इंडिकेशंस होंगी इस टेस्ट की। सबसे पहले वही कैरियोटाइपिंग के लिए, जेनेटिक डिजीजेस के लिए, इन्फेक्शन के लिए, और एनीमिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए, एसिड बेस कंडीशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, ये देखो अल्ट्रासाउंड गाइडेड है। अल्ट्रासाउंड गाइड के बाद जो है वो प्रोब डालेंगे या सिरिंज डालेंगे और डाल के जो है वो सैंपल ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन सब की क्या क्या बेसिक कॉम्प्लिकेशंस अगर आपके माइंड में आती हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मिसकैरेज हो सकता है इन तीनों में, हाई रेट ऑफ मिसकैरेज बिल्कुल हो सकता है जी। रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है बेबी को, हेमरेज हो सकता है बेबी को, कल्चर फेलियर रेट हो सकता है, हायर कल्चर फेलियर रेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। अगर हम कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर बात करें, जो उसके अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशंस ऑफ ब्लड बॉर्न डिजीजेस हो सकती है, हेपेटाइटिस बी की और एचआईवी की, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वीक में कौन कौन सा टेस्ट होता है, और ये तीनों टेस्ट कहाँ से होते हैं, क्यों इनका नाम ऐसे है, और इनकी कॉम्प्लिकेशंस और इंडिकेशंस, ठीक है। कॉर्ड वाला कॉर्डोसेंटेसिस, ठीक है जी हिफ्जा। चलें जी, किसी को कोई बात अब समझ ना आई हो जी, आज 11 बजे तक लेक्चर खत्म नहीं किया तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। सब क्लियर है, किसी को कोई मसला, प्रीनेटल डायग्नोसिस पता चल गया है आपको, स्क्रीनिंग कौन कौन से टेस्ट है पता चल गया है। अच्छा, जाने से पहले मुझे ये बता दो कि ये जो इन्वेसिव सॉरी कह रही हूँ, जो एमनियोसेंटेसिस है, कॉर्डोसेंटेसिस है और कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग है, ये इन्वेसिव टेस्ट है या नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, मुझे ये तो बताओ जरा। ये इन्वेसिव है उनके नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव है, वेरी गुड। और नॉन इन्वेसिव टेस्ट कौन कौन से होंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए, अल्ट्रासाउंड होगा, सीरम लेवल्स और स्पेसिफिक बायोमार्कर्स होंगे, ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल डॉपलर सीटीजी, ये सारे ठीक है। हाँ जी, 10 टीचर्स के भी हैं, अर्षद चौहान के भी हैं, सारे कंपाइल करके ना तो एक उसमें किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट टेबल्स थे, ठीक हो गया। कल आप लोगों को मेरा ख्याल है छुट्टी है, कल आप लोगों ने असाइनमेंट के तौर पे सीटीजी करनी है तो आप अपनी छुट्टी एंजॉय करें। लेकिन परसों मैंने आप लोगों से सीटीजी और एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल डायग्नोसिस सुनना है, और इसमें ना कुछ चीजें भी हैं जो मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी ऑडियो में, या मैं आपको जो है अभी ग्रुप में भी बता दूंगी। मार्किंग मेरा दिल कर रहा था करवाने को, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, ठीक है। 10 टीचर्स है, हाँ 10 टीचर्स है, मोर देन इनफ है ये चैप्टर, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।